प्रदेश सरकार भूमाफियों पर बुलडोजर चला रही है। इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश के सागर जिले के राहतगढ़ में दूसरे दिन अतिक्रमण विरोधी मुहिम चली, जिसके तहत नगर के भोपाल तराहे से विदिशा चौराहे के आगे तक का अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें कुछ दुकानदारों ने स्वयं ही अपने दुकानों के सामने लगे टीन सेट अलग कर लिए। जिन्होंने अलग नहीं किए उनके चबूतरे दीवालें जेसीबी मशीन से प्रशासनिक अधिकारियों ने तोड़वा दिए। कल इसके आगे से अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू होगी, जो बीना नदी के बड़े पुल तक की जाएगी। कार्रवाई में राजस्व, पुलिस और नगर परिषद का अमला संयुक्त रूप से मौजूद था। सुनील ठाकुर, खबर एक्सप्रेस न्यूज, राहतगढ़। आज भोपाल टी गड्ढा से लेकर के और ये यहाँ तक जो है पुलिया तक के जहाँ टारगेट है, सबको पहले नोटिस सूचना दे दी गई है और यहाँ तक फिर बाकी आगे पुलिया तक कल हटाएंगे, बड़ी पुलिया तक। नहीं, अतिक्रमण हटाने का एक तो उद्देश्य ये है कि जो प्रभावशाली व्यक्ति अपना मकान बना के इसके आगे तक अतिक्रमण कर लेते हैं और लोगों का आवाजाही में